मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल इन्फो टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचर एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो न्यू सीरीज में, क्योंकि अब तक हमारी एपीएस की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग पूरा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो चुका है। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इंटरव्यू सेशंस रिलेटेड आएगा, नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट स्टेज आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों के सामने टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से या इंटरव्यू से रिलेटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका पोर्शन एज अ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। सो आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट चाहिए वो मुझे मिलेगा आप लोगों की लाइक हिट शेयर एंड सब्सक्राइब के जरिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए सीरीज कंटिन्यू कर सकूं। इसके बाद हमारी सीरीज कंटिन्यू चलेंगी केवीएस से रिलेटेड, तो अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर देते रहिए। सो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे सामने अक्टूबर में 2019 के अकॉर्डिंग ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम हुआ था 19 एंड 20 अक्टूबर को, और इसका रिजल्ट आ चुका था हमारे सामने एज अ 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये हमारा एज अ स्टेज वन के अकॉर्डिंग पूरा पार्ट कंटिन्यू हो चुका है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है इंटरव्यू लेवल। इंटरव्यू लेवल को क्रैक करने के लिए आप लोगों को इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस तक पहुंचना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही तरीके से मिलेंगे, मतलब क्वेश्चंस में मिलेंगे और साथ ही आप लोग किस तरीके से या कौन से जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना है वो आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू मिलेगा। सो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एपीएस का जो एग्जाम है वो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी कंडक्ट करती है, और ये सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई थी 1983 में, और इसका जो मेन पर्पस था वो एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना था चिल्ड्रंस को। और करेंटली हमारे अक्रॉस इंडिया के अकॉर्डिंग 137 स्कूल्स हैं, तो इन्हीं स्कूल्स के अकॉर्डिंग हमारी एवरी ईयर के अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकलती रहती हैं, कभी 7000, कभी 8000, कभी 6000, तो एवरी ईयर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। बट एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो प्रोसेस है या ये जो एग्जाम्स होते हैं, जितने भी वैकेंसीज निकलती हैं, ये हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होती है, एवरी ईयर रिन्यू होती है। ये एग्जाम आप लोगों को देना पड़ता था। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अब की बार एपीएस में एक प्लस पॉइंट हमारा ऐड हो गया है, और वो है हमारे 3 साल की वैलिडिटी। आप लोगों ने अगर एपीएस का एग्जाम क्रैक कर लिया है पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी के अकॉर्डिंग, तो अब आप लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलेगा। उस कार्ड के जरिए अगर आप इस साल सिलेक्शन नहीं पाते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप वैलिड है, मतलब कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो आप लोगों को संभाल कर रखना होगा, ताकि आप नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सके और इंटरव्यू और जो थर्ड स्टेज है वहां तक पहुंचकर आप सिलेक्शन इजीली पा सकें। तो एक वैलिडिटी आप लोगों के सामने है कि आप लोगों को आगे के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, आगे की ईयर्स के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो आप इंटरव्यूज दे सकते हैं आपके नियर बाय जो भी स्कूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं कि इंटरव्यू सेशन किस तरीके से कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर पैनल में 3 से 4 मेंबर्स होंगे आप लोगों के सामने जो इंटरव्यू लेंगे आपका। तो क्वेश्चंस ज्यादातर मेनली आप लोगों से पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस चीज को आप लोगों को बता दिया है कि पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी बेस्ड फेज 1, फेज 2 और फेज 3 हमारे एग्जाम्स होते हैं। फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑनलाइन टेस्ट, फेज 2 की प्रिपरेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सीरीज हमारी 2 या 3 सीरीज के अकॉर्डिंग कंटिन्यू होंगी इंटरव्यू सेशन की, और लास्ट सीरीज हमारी ये लास्ट जो फेस है वो इवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंस के अकॉर्डिंग एज अ टेस्ट होगा। तो वो आप लोगों को एज अ इंटरव्यू के बाद ही एक मतलब आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों से पुटअप होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो एज अ इंटरव्यू बेस्ड होता है, और ये एवरी कैंडिडेट से पुटअप जरूर होगा। बाकी के क्वेश्चंस अगर नहीं पूछे जाते एक पर्सन के लिए भी, बट ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है एवरी ईयर के अकॉर्डिंग। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या एज अ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को आंसर में क्या आंसर देना है, देखिए, गिव अ स्मॉल समरी ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्टेटिंग दैट यू आर नो वांटिंग टू मेक यूज ऑफ योर हार्ड गेन नॉलेज एंड ऑल्सो मैंशन योर वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप लोगों को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का एक छोटा सा सारांश देना है, मतलब जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशंस हैं अब तक रही हैं उसका एक छोटा सा, ज्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं बतानी है, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपनी हॉबीज, मतलब इन सब चीजों से रिलेटेड अपने तरीके से या अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बोलने हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आप लोग स्टार्टिंग में बताएंगे अपने नेम से स्टार्ट करते हुए, और वहां पर आप लोगों को फिर आगे जो कंटिन्यू करना है कि आप लोगों ने जो नॉलेज गेन की है, आप एपीएस के स्कूल में ज्वाइन होकर
उसे प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, बच्चों के सामने अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, अपने अनुभव को वहां पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो ये चीज आप लोग एज अ प्लस पॉइंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग। याद रखेंगे जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव चीजों को शो नहीं करेंगे। जैसे यहां पर मैंने एक पॉइंट डाला है, डोंट शो योर वीक पॉइंट्स, आप लोगों को अपनी कमजोरियां अपनी कमियों को वहां पर एज अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बोलना है। इफ 1% वो आप लोगों से पूछते हैं कि आपकी कमियां या आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, तभी आप एक या दो वीक पॉइंट आप बताएंगे, अदरवाइज आप लोगों को अपनी तरफ से कोई भी नहीं बताना है। लॉन्ग स्टोरी या लॉन्ग समरी के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड चीजों को वहां पर कंटिन्यू कीजिए अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। देन है हमारा क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन, हाउ यू ओवरकम। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक सिचुएशन रखी जाएगी, कंडीशन रखी जाएगी कि अगर अब तक के लाइफ में अगर आपके सामने कोई सिचुएशन कोई परिस्थिति आई है या कोई ऐसा कठिन कार्य आया है तो उससे आपने कैसे कंटिन्यू किया है, कैसे कंप्लीट किया है या कैसे पार किया है उस सिचुएशन को उस परिस्थिति को। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर में स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है, डू नॉट ट्राई टू मेक अ स्टोरी इन विच यू एमर्स्ड एज अ हीरो एंड रेस्क्यूड एवरीवन। वहां पर आप लोगों को पैनल में जितने भी इंटरव्यूअर्स होंगे उनके सामने अपने आप को हीरो साबित नहीं करना है कि मैंने ये काम किया था वो काम किया था, तो वो चीज आप लोगों को एज अ खुद को हीरो या खुद को या अपने बारे में पॉजिटिव पॉइंट या अपनी तारीफ करके नहीं कुछ शेयर करना है। आप लोग कोई भी ऐसी कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए अपनी स्टोरी से रिलेटेड, मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड जो एकेडमिक जो एक सिचुएशन रही हो या आपने कोई ब्रेवरी वाला काम किया हो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पर, कोई भी इंसिडेंट मेंशन कर सकते हैं और शॉर्ट इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही लास्ट में आप लोगों को वहां पर अपने आप को हीरो बनाने के बजाय आप लोगों को अपनी टीम, मतलब आपने अब फ्रेंड सर्कल का यूज मतलब की हेल्प ली हो या अपने फैमिली की हेल्प ली हो अपने सिबलिंग्स की हेल्प ली हो तो वो भी चीजें आप लोग एज अ टीम वर्क के अकॉर्डिंग बताएंगे। अपने आप को शो नहीं करना है, आपने किस किस की हेल्प ली उस काम को करने के लिए, वो चीज आप लोग प्लस पॉइंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें आप लोगों को नॉर्मली पता ही होंगी कि किस तरीके से जवाब देना है, तो लॉन्ग स्टोरी या कोई मनगढ़ंत कहानी जिसे बोलते हैं वो सब नहीं सुनानी है वहां पर आप लोगों को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है, एक्सप्लेन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्कूल टीचर, और ये एवरी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, इट मीन्स केवीएस का भी इंटरव्यू होता है ना वहां पर भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम एपीएस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखना है, एक्सप्लेन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्कूल टीचर, इट मीन्स इस क्वेश्चन में नॉर्मली आप लोगों से पूछा जाएगा कि स्कूल शिक्षक की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। वैसे तो देखा जाए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आप लोगों ने जब डिप्लोमा लिया हुआ टीचिंग डिप्लोमा तो वहां पर ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, एक्सप्लेन करके आप लोग बता भी देते हैं, तो वहां पर अपने आप को मतलब रट कर तो जाना नहीं है कोई क्वेश्चन, ये भी याद रखेंगे कि आप लोगों ने रट लिए हैं ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, जहां से भी आप लोग सेल्फ रिविजन कर रहे हैं वहां से भी आप लोगों को कोई भी रटाफिकेशन नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों को नॉर्मली सिलेक्टेड पॉइंट्स को रखना है और सिलेक्टेड पॉइंट्स जो जेन्युइन पॉइंट्स हैं उनको आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बताएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर दे रखा है, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू मूव फ्रॉम अर्ली फेजेस ऑफ लर्निंग टू बिकम एक्सपर्ट, बच्चों को उनके सब्जेक्ट में विशेषज्ञ या विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए उनकी हेल्प करना, उन्हें सीखने में हेल्प करना, उनके शुरुआती चरणों से इजिली मतलब कि आगे बढ़ावा देने के लिए उनकी हेल्प करना, तो ये सबसे पहला पॉइंट माना जाता है एक शिक्षक का। देन है सेकंड पॉइंट, कंडक्टिंग एंड ग्रेडिंग टेस्ट, आप लोग परीक्षाएं लेंगे उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, और परीक्षाओं में जरूरी नहीं है कि रिटन टेस्ट ही हो, ओरल टेस्ट मतलब एज अ क्विज के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, गेम क्विज के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, तो वो भी चीज आप लोग एज अ टीचिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो सकता है वर्किंग विद स्टूडेंट बोथ इन ग्रुप एंड पर्सनली, आप लोग ये भी बता सकते हैं कि हम या एज अ टीचर आप बच्चों को अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि वो ग्रुप में पढ़ सकें या ग्रुप में कोई एक्टिविटी कर सकें, या आप बच्चों के साथ मिलकर किसी भी ग्रुप के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन भागीदारी देकर कोई कार्य कर सकें। डी पॉइंट है हमारा ट्रैकिंग मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच स्टूडेंट, हर बच्चे के बारे में आप लोगों को प्रत्येक छात्र या छात्रा के प्रदर्शन प्रगति पर नजर और निगरानी रखनी होगी और साथ ही सुपरवाइजिंग यानी कि पर्यवेक्षण भी करना होगा, सिर्फ एक बच्चे का नहीं करना है यहाँ पर आप लोगों को, इट मीन्स आप लोगों को ये भी चीज आप लोगों को वहां पर बतानी होगी कि हम सिर्फ एक बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे,
अगर कक्षा के अकॉर्डिंग, क्लासरूम के अकॉर्डिंग 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें 30 स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस पर ध्यान देना होगा। चाहे वो गिफ्टेड स्टूडेंट हो, चाहे वो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट हो, हर बच्चे की प्रोग्रेस पर हमें एज अ टीचर ध्यान देना है। तो ये भी चीज आप लोग प्लस पॉइंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, रेगुलर मीटिंग विद पेरेंट्स टू डिस्कस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। रेगुलर भी बोल सकते हैं आप लोग, वीकली भी बोल सकते हैं, या मंथली भी बोल सकते हैं आप लोग। ये एक प्लस पॉइंट है कि आप लोग बच्चों के माता पिता से, अभिभावकों से मिल रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक आप बता सकते हैं कि स्कूल शिक्षक की ये भी एक जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बाकी की चीजें अगर आप लोगों ने सेल्फ कहीं से पढ़ी है, तो वो भी आप लोग रट कर नहीं जाएंगे, अच्छे से समझ कर जाएंगे, और प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए एक एक क्वेश्चन की, कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारे किस तरीके से हो सकते हैं, जो प्लस पॉइंट या पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग हो। देन है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन अ लेसन डज नॉट वर्क वेल इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है कि कोई भी टॉपिक होता है, चाहे वो हमारा किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, और वो टॉपिक हम स्टूडेंट के सामने पढ़ा दिया, हमने अच्छे से समझा दिया, बट स्टूडेंट्स क्या है कि उसे कैच नहीं कर पा रहे हैं। मतलब नॉर्मली उस टॉपिक को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उस लेसन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। चाहे वो साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, चाहे मैथ्स का कोई टॉपिक हो, चाहे इंग्लिश का कोई टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो एज ए एग्जाम्पल, तो वहां पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि आप उस समस्या से कैसे निकलेंगे, या आप लोग कौन सी ऐसी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चे उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट जगा सकें और उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर आंसर के अकॉर्डिंग आप लोग क्या बता सकते हैं, ट्राई टू एनालिसिस व्हाट प्रॉब्लम क्रिएटेड। सबसे पहले तो प्रत्येक छात्र के बारे में आप लोगों को रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि एक्चुअल में उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, और समस्याएं क्या हो सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कि 30 बच्चे हैं तो 30ों की अलग समस्याएं होंगी। एटलीस्ट अगर 30 बच्चे हैं तो 30 में से 15 जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने आ सकती हैं। तो उस 15 की एक आप लोग रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें आप निकाल सकते हैं। वीक पॉइंट्स के साथ साथ फिर आप लोगों को एक ऐसी समरी तैयार करनी होगी जहां पर आप लोग टीचिंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं। टीचिंग मटेरियल का यूज करने के बाद आप लोग वो इंटरेस्ट जगा सकते हैं, या एक्टिविटी बेस्ड उस टॉपिक को इजीली करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी सारी चीजें हमारी थ्योरेटिकल हो, कुछ चीजें हमारी प्रैक्टिकल भी होती हैं, जिन्हें जैसे साइंस के टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे ऐसे जहां पर हम बच्चों को ओरली समझाते हैं तो वो समझ में नहीं आते, ब्लैक बोर्ड पर भी समझाते हैं तो भी हमें वो डायग्राम से नहीं समझ आते। बच्चों का माइंड कैप्चर करता है जब हम उन चीजों को देख कर सीखते हैं। तो अगर आप उन्हें लैबोरेटरी या लैब में ले जाकर उन चीजों को प्रैक्टिकली करवाने की कोशिश करते हैं, तब वो टॉपिक उन्हें इजीली समझ आ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग अपनी तरफ से जेन्युइनली आंसर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, टेक एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस टीचर। आप लोग अदर टीचर्स की, अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो आप लोगों ने अभी तक पॉइंट्स कंटिन्यू किए हैं वो काम नहीं कर रहे, वो वर्क नहीं कर रहे, तो आप लोग अदर जो सीनियर टीचर्स हैं, जो सहायक टीचर्स हैं, अनुभवी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनकी भी सलाह लेकर, मार्गदर्शन लेकर उस कार्य को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, जो एज अ 4 से 3 या 3 से 4 आप इजिली पॉइंट्स बनाकर बता सकते हैं। देन है हमारा 5th क्वेश्चन, मेंशन व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ स्कूल टीचर्स। जो स्कूल टीचर्स होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, वैसे तो बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, बट यहाँ पर एबीसी के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट है प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर सेमिनार्स एंड प्रेजेंटेशन। सबसे पहला पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, सेमिनार्स के लिए मटेरियल तैयार करना और साथ ही प्रेजेंटेशन रखना, मतलब कि शिक्षण सामग्री तैयार करना आप लोग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं, आज के टाइम पर अगर देखा जाए चाइल्ड सेंटर, जो छात्र केंद्रित शिक्षा कंटिन्यू चल रही है, शिक्षण कंटिन्यू चल रहा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इंटरेस्ट कब लेते हैं, जब उनके सामने टीचिंग मटेरियल काफी इंटरेस्टिंग वे से हो। तो वहां पर आप लोग यही पॉइंट बता सकते हैं। देन है हमारा एनफोर्सिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस एंड कंडक्टिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। यहाँ पर आप लोग अनुशासनात्मक कार्यों को लागू करके, और जो प्रगति रिपोर्ट है, हर बच्चे की प्रगति रिपोर्ट है कि उसने क्या प्रोग्रेस की है, क्या नहीं की है, या क्या उसके वीक एरियाज है, क्या कौन सा उसका वीक सब्जेक्ट है, उसकी आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। देन है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड लेक्चरिंग एंड डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि छात्रों की प्रगति के बारे में चर्चाएं करनी है, और चर्चाएं किससे करनी है, या तो आप स्कूल के प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल है या हेड है या वाइस प्रिंसिपल है, उनसे आप
प्रत्येक छात्र के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं, अगर कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो उसके बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं। तो ये कुछ प्लस पॉइंट हैं जो आप लोग अपनी तरफ से बता सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पुटअप होता है तो। देन है हमारा सिक्स क्वेश्चन, लेट्स प्रिटेंड इट्स ऑलमोस्ट द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एंड यू आर फर्स्ट ग्रेड टीचर, हाउ वुड यू प्रिपेयर योर क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक परिस्थिति, एक सिचुएशन रखी जाएगी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एपीएस के स्कूल्स में और आपका फर्स्ट डे है वहां पर, तो आप अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखेंगे या कक्षा में कौन कौन सी चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा जिससे आप बच्चों के सामने अपना जो एक इमेज है, अपनी जो इमेज है उसको अच्छे से और इम्प्रेसिव तरीके से कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पर आप लोगों को जब आंसर देना है तो कुछ जेन्युइन तरीके से दीजिए, वहां पर कुछ मनगढ़ंत चीजों को नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, अपने मन से कुछ भी ऐसी चीजें मत बोलिए। नॉर्मली आप कॉन्सेप्ट रखिए, कॉन्सेप्ट रखने का मतलब ये है, आप लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ जहां पर समावेशी शिक्षा, आप लोग ये पॉइंट बता सकते हैं वहां पर कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग सभी बच्चे वहां पर उपस्थित हों, किसी भी बच्चों को हम क्लास से अलग नहीं करेंगे, चाहे वो एज अ गिफ्टेड हो या स्पेशल नीड स्टूडेंट हो। और फिर आप लोगों को स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स वहां पर रखने होंगे जो आप लोग बता सकते हैं अपनी तरीके से। शिक्षण सामग्री का आप लोग यूज कर सकते हैं, शिक्षण सामग्री में आप लोग मतलब कि पोस्टर्स हो सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट टैग्स हो सकते हैं, लेबल टैग्स हो सकते हैं, ये कुछ आप लोग सेल्फ अरेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कक्षा के यहाँ पर आप लोग नॉर्मली अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका फर्स्ट डे है और आपको किसी बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप लोग वहां के प्रिंसिपल से परमिशन लेकर आप इजीली प्रत्येक बच्चे के बारे में कहाँ से जान सकते हैं, उनके माता पिता से, मतलब एक पीटीएम या पेरेंट्स मीटिंग आप ले सकते हैं और वहां पर उनके माता पिता से, उनके अभिभावकों से मिलकर प्रत्येक बच्चे के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके आप आगे अपनी लर्निंग और अपनी टीचिंग कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो पहले से ही प्री प्लान होती हैं, तब जाकर आप लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये प्री प्लान वाला पोर्शन जो पॉइंट है वो आप लोग वहां पर आसानी से एज एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट वेज डू यू असेस एंड इवेल्युएट स्टूडेंट्स। आप बच्चों को या बच्चों का जो पर्टिकुलर या कौन कौन से ऐसे तरीके होंगे जहां पर आप उनका एक मूल्यांकन कर सकेंगे, तो यहाँ पर मूल्यांकन के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ मतलब कि नहीं बताना है। सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि जो हमारा सीसीई पैटर्न है वो कंटिन्यू चलता है, तो हमें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू करूंगा या करूंगी, इसी पैटर्न को फॉलो करूंगी मैं, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा करिकुलम जो सिलेबस है वो पैटर्न प्री प्लान किया जाएगा, और उसके बाद कुछ डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनका यूज करके, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल यानी कि औपचारिक एंड अनौपचारिक मूल्यांकन का उपयोग करूंगी या करूंगा, आप कुछ भी बता सकते हैं अपने तरीके से। अगर आपने रिटन क्विजेस और एग्जामिनेशंस कंटिन्यू किए हैं तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो आप उनके पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे या क्या इनके वीक पॉइंट्स हैं वो भी बताएंगे, साथ ही वो अपनी कक्षा में कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कितनी भागीदारी दे रहे हैं, उसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एक अवार्ड विनिंग मतलब कि एक्टिविटी रख सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये अवार्ड मिलेगा, ये अप्रिसिएशन मिलेगा, तो ये एक भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारा इवैल्यूएट करने का, ताकि जो भी बच्चे अगर डाउन जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं, अगर गिफ्टेड हैं, इंटेलिजेंट हैं या स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट हैं, सभी के सामने ये अप्रिसिएशन वाला पॉइंट मिल जाता है, तो ये भी आप लोग एज अ प्लस पॉइंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। देन है हमारा एट क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू टू मॉडिफाई योर टीचिंग टू मीट द नीड ऑफ अ गिफ्टेड एंड स्पेशल नीड स्टूडेंट। वही क्वेश्चन अभी मैं रिपीट कर रही थी कि अगर आपकी क्लास में और आप टीचिंग कर रहे हैं और आपकी क्लास में गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब हर प्रकार के स्टूडेंट हैं, और साथ ही उन्हीं में स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं देना है कि मैं उन बच्चों को अलग से लाइन में बिठा दूंगी या बाहर खड़ा कर देंगे या कुछ ऐसे पनिशेबल चीजें नहीं बतानी है वहां पर। आप लोगों को प्लस पॉइंट के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अभी मैंने बताया लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में समावेशी शिक्षा का आप एग्जाम्पल देंगे कि आज के टाइम पर समावेशी शिक्षा कंटिन्यू चल रही है, तो हमें
हर बच्चे को एक ही कक्षा में रहकर उनकी हर प्रॉब्लम को दूर करना है, और क्या क्या फैसिलिटीज हम उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं एज अ स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, वो भी आप लोग बता सकते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम देकर उनकी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो आप लोग बता सकते हैं। ऐसे ही सेम गिफ्टेड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हैं, उनके माता पिताओं से जानकारी लेकर उनके अनुभवों को शेयर करके, बहुत सारी चीजें जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ ही आप लोग उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, अप्रिशिएशन कर सकते हैं उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, ताकि और भी जो बच्चे हैं कक्षा के, जो और भी बच्चे हैं उनके जो सहपाठी हैं, वो भी उनका अनुकरण कर सकें, यानी कि उनकी एज अ प्रोत्साहित, उनका जो मोटिवेशन है वो बढ़ा सकें, अभी प्रेरणा दे सकें उन्हें। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग बता सकते हैं, बट प्लस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है। नेगेटिव पॉइंट आप तभी बताएंगे जब वो पूछें आपसे। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, जब आपसे नेगेटिव पॉइंट पूछा जाएगा तभी आप लोग बताएंगे, अपनी तरफ से आप लोगों को नेगेटिव कुछ नहीं बताना है। जब आप लोगों से पूछा जाए कि पॉजिटिव पॉइंट बताइए, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि पॉजिटिव के साथ साथ मैं नेगेटिव ही बता दूं, नहीं, पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव ही बताना है, नेगेटिव तब बताना है जब आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, हाउ विल यू मैनेज इफ समवन स्टूडेंट इज नॉट एक्टिव इन क्लास। अगर आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं और 30 में से 29 बच्चे हैं तो इंटरेस्टेड हैं, और एक बच्चा क्या है माइनस पॉइंट में जा रहा है और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसे एक इंटरेस्ट ही नहीं है, वो उस टॉपिक की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो उस बच्चे की खामियों, मतलब खामियां नहीं कहेंगे, कमियां कहेंगे, मतलब उस बच्चे की कमियों को या कमजोरियों को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर उस बच्चे के जो वीक पॉइंट्स हैं उनको फाइंड करने के बाद अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड है, तब आप उसके पेरेंट्स से मिलने की कोशिश करेंगे, मतलब पूरे तरीके से मिलेंगे, जानेंगे उसके बारे में पूरा, एक अच्छे तरीके से सारी चीजें फाइंड करने के बाद तब आप एक समरी बनाकर तैयार करेंगे कि उस बच्चे को कैसे पढ़ाना है क्लास में और कैसे एक्टिव रखना है। इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को डिफरेंट तरीके के जो टीचिंग मटेरियल है TLM है उसका यूज करना होगा। तो ये कुछ ऐसे प्लस पॉइंट बता सकते हैं आप लोग। 10th क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स अपने तरीके से याद रखने हैं, जैसे एजुकेशन पॉलिसीज हैं, जो करंटली एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो आप लोगों को याद रख कर जानी है, एजुकेशन स्कीम्स अभी जो चेंज हुई हैं उनके अकॉर्डिंग, ऑल राइट्स फॉर चिल्ड्रन RTE Act है हमारा, NCF Act है, और बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो हमारे कंटिन्यू होते, कमेटीज होती हैं, उन सभी को आप लोग याद करके जाएंगे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, व्हाई डू यू ज्वाइन APS स्कूल। तो वहां पर आप लोगों को ये नहीं बताना है कि ये गवर्नमेंट है तो मैं इसीलिए मतलब ज्वाइन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या यहाँ पर सैलरी का पैकेज अच्छा मिलेगा, ये सब आपको नेगेटिव चीजें नहीं बतानी है। आप लोगों को अपना बस ये चीज प्लस पॉइंट में बतानी है, मुझे जो भी अभी तक नॉलेज मैंने गेन की है उसका मैं यूज करना चाहती हूँ और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी पाना चाहती हूँ जहां पर मुझे अपने आप को मतलब प्रूव करने का एक मौका मिल सके। कुछ ऐसी चीजें जो एक प्लस पॉइंट या बेस्ट इफेक्ट या इम्प्रेस आप लोगों को इम्प्रेसिव तरीके से कंटिन्यू करें, तो वो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा आगे की सीरीज के लिए, तो ही मैं आगे सीरीज कंटिन्यू करूंगी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग।